हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इंस्टाग्राम में बूस्ट स्टोरी का मतलब क्या होता है और ये ऑप्शन क्यों दिया होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम ऐप पे आ जाइएगा और यहाँ पर क्लिक करना है ट्रिपल अपने योर स्टोरी पे, और उसके बाद सबसे नीचे देता है आपका बूस्ट का ऑप्शन, ये होता है बूस्ट स्टोरी, ठीक है ना। अगर आपका जो स्टोरी अपलोड किए हैं अगर वो सही है तो आपको ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा, लेकिन अगर आप ये देखिए दिस योर कैन नॉट बी बूस्टेड, यानी जो मेरा ये स्टोरी है वो बूस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें व्हेन यू करेंटली ओनली सपोर्ट बूस्टिंग स्टोरी देन द कर्टेन टैपलेप एलिमेंट, यानी इसमें कुछ है नहीं कि इसको बूस्ट करना है। जैसे क्या है ना, ये जो फोटो है नॉर्मली फोटो है, इसमें कोई ना ऐड है ना कोई अच्छा सा लुक है, ऐसे कुछ करके है, ठीक है। अगर आपका पोस्ट बूस्ट करने वाला स्टोरी बूस्ट करने वाला होगा तो ये शो नहीं करेगा, अगर ये करेगा तो आप चूज डिफरेंट स्टोरी पे क्लिक करके यहाँ से आप किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने इनको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये हो गया, ठीक है ना। अब बात रही बूस्ट स्टोरी होता क्या है। देखिए तो बूस्ट स्टोरी एक तरह का ऐड रन कराने का फीचर होता है जो इंस्टाग्राम देता है। इसी तरह इंस्टाग्राम में और भी देता है, बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन देता है, बूस्ट रील्स का भी ऑप्शन देता है, यानी और लास्ट में आपको बूस्ट स्टोरी का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। बूस्ट का मतलब होता है कि आप अपने स्टोरी को बूस्ट स्टोरी का मतलब ये हो जाता है कि अपने स्टोरी को आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं कुछ पैसे खर्च करके, ठीक है ना। अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे अभी आपके सामने सब कुछ हुआ, देन यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन शो करेगा, आप अपनी स्टोरी ये जो बूस्ट स्टोरी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं फॉलोअर पाना तो पहले वाले पर क्लिक करना है, अगर आप चाहते हैं विजिट प्रोफाइल पर विजिट करना तो आप दूसरे वाले पर करिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मैसेज करे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। मैसेज का मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई मैसेज करे आपको तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है ना। तो मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन देता है, एक सजेस्टेड ऑडियंस, किसको दिखाना चाहते हैं आप, आपके जो फॉलोअर हैं उसके रिलेटेड आपके ऑडियंस को दिखाएगा। दूसरा ये होता है क्रिएट योर ऑन ऑडियंस, यानी आप मैनुअली इंटर कर सकते हैं किस कंट्री का होना चाहिए, किस भाषा में बोलना चाहिए और कितना एज होना चाहिए, ये पूरा डिटेल यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी में, मतलब आप किस कैटेगरी का दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रेडिट, एम्प्लॉय, हाउसिंग और सोशल इशू रिलेटेड कई सारे कैटेगरी दिए हैं जिसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं पहले पर रखते रहता हूँ, देन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए डेली का बजट है, आप डेली बजट सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने का डेली का बजट है तो मैं यहाँ पर $3 रखता हूँ। देन यहाँ पर ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने दिन का रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर 4 दिन का रख देता हूँ। देन यहाँ पर टोटल पूरा बजट आपको शो करेगा, कितना बजट है आपका $12 और 4 दिन के लिए कितने लोगों को दिखाएगा, यहाँ पर 1000 से 2700 लोगों को दिखाएगा ये। देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम लोग, उसके बाद सब कुछ डन होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और सिलेक्ट करना होता है, पेमेंट ऐड का ऑप्शन देता है, आप यहाँ से इस पर क्लिक करके पेपल या फिर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से इसको इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको डन बैक करता हूँ। ऐड पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको बूस्ट रील्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। बूस्ट रील्स पे क्लिक करने के बाद आपका जो पोस्ट है वो बूस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जो आपका स्टोरी है वो बूस्ट हो जाएगा, ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा, ठीक। तो इस तरह करके आप बहुत ही आसानी से अपने रील्स को अपनी स्टोरी को बूस्ट कर सकते हैं, और बूस्ट स्टोरी का मतलब ये होता है।